जल्दी उतरो उतर के उतर के दे। वाह क्या जगह ढूंढी आप लोगों ने, एकदम धूप सेकने वाली। पर्सनल कप विद पर्सनल टच, ये लो मैंने कॉफी बनाई थी मैंने ग्लास में। पर्सनल ग्लास विद नो क्लास। मेरा भाई आया कॉफी पीने, भाई तेरे लिए कॉफी ब्लैक कॉफी बना दी मैंने। शेर को देखने के लिए कड़क चाय पीने की पड़ती है। हां क्या पी के देख कैसी है। सो गाइस फाइनली इट्स टाइम फॉर सेकंड डे सेकंड सफारी। बेसिकली इन टोटल आर थर्ड सफारी जो कि बफर जोन में है। यहाँ पर दो जोन होते हैं जिसको एक को कोर जोन कहा जाता है, एक को बफर जोन कहा जाता है। कोर जोन कहते हैं जो कि एकदम जंगल के बीचों बीच का एरिया, बफर उसके साइड का एरिया। तो बफर में भी काफी प्रोबेबिलिटी होती है टाइगर देखने की। अब यही बोलेंगे जब कोर में नहीं दिखा तो प्रोबेबिलिटी पे ही चलेंगे। कोई बात नहीं, मैंने लिपस्टिक लगा ली है, पाउडर वाउडर लगा लिया मुंह पे, आई एम रेडी। शायद मेकअप देख के शेर निकला है बाहर, लिपस्टिक ज्यादा हो गई क्या। नहीं नहीं ठीक है। और जिस जोन में हम जा रहे हैं इसमें जो टाइगर हैं उनके नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। एक का नाम खली है, एक का नाम, ये नाम वाम बताओ, जब तक देखेंगे नहीं ना तब तक मैं नहीं मानने वाली। एक का नाम बहुत हो गया, एक का नाम बजरंगी है, एक का नाम रॉकेट है, मधु है और माधुरी। हमारी सहेलियां हैं क्या, ऐसे नाम बता रहे हैं, इतने इंटरेस्टिंग नाम रखे हुए हैं ना। चलो चलो यहाँ से लंच करेंगे, लंच करके फिर निकलेंगे सफारी के लिए। तो मिलते हैं आपको आगे। सुना एक बार और बोल दे जो बोला था। क्या कह रही है, फोटो अच्छी खींचने के लिए पोज भी अच्छा मारना चाहिए। तो क्या करें, पोज कैसे मारे, और चल एक पोज मारते हैं। ई ननद भौजाई का जोड़ा आसानी से जा सकता है तोड़ा, मैं वहाँ देखती हूँ। ऐसा लग रहा है दिलीप कुमार और राजेश खन्ना फोटो खींचा रहे हैं। बकवास, इतनी तो अच्छी फोटो है। अरे ये क्या कर रखा है इसने। चलो आओ। सब फाइनली सब लोग जीप में बैठ गए हैं, निकल रहे हैं, और किसी ने भी ज्यादा कुछ गर्म पहना नहीं है, लेकिन मैंने मोटी जैकेट पहनी है क्योंकि मुझे ठंड लगती है। कोई भी टोपी नहीं पहनी है किसी ने, लेकिन मैं पहनूंगी। मैंने पहनी है। पहन रही है। देखो अभी क्या है ना, इस समय तो गर्मी है, क्या पता ठंड हो जाए। तो बस ठंड का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं हमेशा सेफ्टी मैं जो साथ में लेके चलती हूँ। पहले दिन की सफारी की और बात थी, जैसे जैसे हम दो सफारी कर चुके हैं ये तीसरी है। धीरे धीरे इंसान औकात पे आता चला जाता है। अगर आप देखें तो जूते तक भी उतर चुके हैं। अरे चप्पल में ही आ गया हूँ। क्या बात कर रहा है, अरे जब शेर ही नहीं मिल रहा तो क्या करूँ। मुझे लग रहा है कल की सवारी हम कच्चे में करने वाले हैं। अच्छा, संभावना कह रही है कि लास्ट टाइम भी हम इस वाले जोन में गए थे और हमें एक गाइड मिला था, उसका नाम ही निखट्टू था, जिसने कान पे कान ही बंद कर रखे थे, कहता है कॉलिंग सुनाई देगा, कान ही बंद थे उसके। हमें पता नहीं कौन से गाइड मिलने वाले हैं, देखते हैं अभी। नहीं उसको, उस गाइड को मैं पहचान जाऊंगी। इनका नाम है मनोज, जो हमारे साथ जाएंगे, गाइड है हमारे, और इनसे बड़ी उम्मीद है हमें, लगता है काफी एक्सपीरियंस है। कितना टाइम हो गया आपको। मैं यहाँ पे हो गया 6-7 साल। 6-7 साल हो गए हैं, हमारी भी 6-7 सफारी हो चुकी, लेकिन देखते हैं आप इस बार ट्राई तो करेंगे। हाँ मैंने कम से कम 15-16 सफारी कर ली है। अच्छा सर, जगह जगह मिला के आज तक साइड ही नहीं है। आज ये जिंक्स तोड़वा दो, ये जो चुनरी में दाग लगा हुआ है ना हमारी, मेरे को गिफ्ट मिला था वो भी मैं आप ही को देके जाऊंगा, आधार कार्ड। आज ये अभी तीसरा दाग लगने जा रहा है, दो लग चुके हैं कल, भैया के तो 20-25 इसके तो 20-25 लगे हुए हैं। आपकी तो पूरी चुनरी गंदी हो गई। बाकी का एरिया नहीं होता, वो एरिया में आज ऐसे इधर रहेंगे कल उधर रहेंगे, कहीं भी हो सकते हो। छोटी मधु है यार, पपिन ये तो इधर को गई ऐसे ऐसे यहाँ से। अभी ये लेक चेक करेंगे, अमेजरी सॉरी नॉर्गो लेक। हाँ। अगर इस तरफ से कहीं बीच में अगर बैठे होंगे तो इधर ज्यादा जाता है, इसी एरिया में टाइमिंग देते हैं अपन, तो 100% इधर ही है। हाँ, इधर ही है। पग मार्क बता रहा है, ये तो बहुत फ्रेश है। फ्रेश है मैडम, फ्रेश है, आज मिलेगा भाई। ये तो एरिया में बोलने से कब क्या साइडिंग होगा बोल नहीं सकते। और यहाँ से चलो उधर निकली है पीछे, किस तरह मैम वहाँ तक की आई हो, वहाँ से चल गई। ये रास्ते से अगर सीधा जाना हो तो आगे रास्ता बंद है, पूरा पानी भरा हुआ है, तो टाइगर पीछे से चलते आया। ये वाली छोटी मधु 8 मिनट तक मेरी गाड़ी के पीछे खड़ी थी। घास का रास्ता है पूरा, आगे पानी है पूरा, गए और वो टाइगर को भी रास्ता नहीं था, आगे से ब्लॉक हो गया था रास्ता। गाड़ी ऐसी और टाइगर इतना पास में, वो सिर्फ चार्ज के मूड में था, लेकिन इनको अच्छा वाकई मोमेंट नहीं किया इन्होंने कुछ, बैठ गए सब नीचे। चार्ज के मूड में था। गेस्ट जो थे यहाँ पे नीचे बैठा दिया, उनको सीट पे भी नहीं बैठे, नीचे बैठ गए।
एकदम गाड़ी के पास और ऐसे ऊपर देख रही है हमारे तरफ 8 मिनट तक। उसको बॉडी लैंग्वेज से समझा है कि हमसे कुछ खतरा नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो 8 मिनट के बाद थोड़ी सी नीचे उतरी पानी पीने के लिए, और जैसे वो नीचे उतरी मैंने सेल्फ मारा और धीरे धीरे रिवर्स लिया, वो भी आगे निकल गई और हम पीछे निकल गए। क्या हो सकती है? मधु इस टाइग्रेस की खास बात ये है, यही है जो सबसे ज्यादा साइटिंग देती है, और फाइनली हमें भी इसमें साइटिंग दे दी। हम तो दोनों बैठ गई, जाएंगे आगे जाएंगे थोड़ा। वो मधु सबको इधर से उधर भगा रही है, कभी इधर को आ रही है कभी उधर को जा रही है। अरे यार, गाड़ियों की वजह से अच्छा खासा रोड पे आ रही है। चलो चलो, हाथ मत दिखा, हाथ मत अरे पानी के अंदर आ गए हम लोग। भागो भागो शेर की तरफ भागो। ये बहुत रेयर होता है कि भालू और टाइगर एक ही टेरिटरी में आपको इतनी इजीली दिख जाए, लाइक इतना पास पास दोनों दिख गए आज हमें। भाई कौन सी किस्मत लेके आए थे भाई, भाई कैसा लग रहा है? ये वही मेरी वजह से रास्ते पे लेपर्ड मिला स्टार्टिंग में, सभी गाड़ियों ने देखा, दो टाइगर वहीं पे बैठे हैं। लेपर्ड आया और दूसरे टाइगर के पास बैठ गया, उसे पता ही नहीं कि टाइगर बैठा और टाइगर को पता नहीं कि लेपर्ड बैठा। अपना नसीब खराब था कि उस दिन कैमरा नहीं था गाड़ी में, अगर एक ही फ्रेम में आ जाते थे वो अवार्ड विन फोटो रहता। पेड़ के ऊपर मुझे हिलाओ मत। अब नहीं दिखेगा, क्या बराबर हम लोग आए पीछे इसको बिठाया। टाइगर उधर से एंटर किया है, उधर से अब इधर से शायद निकलेगा, उसी का वेट हो रहा है। अंदर ही अंदर क्रॉस करके मेन रोड पे जाएगी, ये रुका हुआ है वो वापस नहीं आएगा, ये मेन रोड पे जाएगा। चलो इफ इज दैट श्योर देन लेट्स गो। वो एक जोन से बाहर निकल गई और दूसरे जोन में जा रही है जिसके बीच में मेन रोड है, जहाँ पर जिप्सी नसी तो सब लोग रोड के ऊपर आ गए हैं, और वो एक जोन से दूसरे जोन में क्रॉस कर रही है। मतलब
What are you waiting for? The tiger. कि phone से करा है. Phone कहाँ से है? Phone से खींच रहे हैं photo. Dali. कुत्ता नहीं है वो. किधर आ जाती? पड़ गया ना पता भी लग जाना. वो रा. हाँ वो जा रहा. Road खोल करा. Cross कर गया? कर गया. Cross कर गया? हाँ कर गया. अभी कर रहे. Zoom. अरे यार. Focus ने धोखा दे दिया मैं क्या करूँ? यार उस जोन में चला गया हमने देखा जाते हुए कल जिस जोन में हमें जाना है ना उस जोन में चला गया तो हमें कल जाना है वो आज क्यों चला गया उस जोन में इसी तरह से जाना है तो फिर हम भी ऐसे चले जाते तुमने एक चीज नोट करी क्या फोन अलाउड नहीं थे लेकिन जैसे ही सब गाड़ी से गुजरे सबके हाथ में फोन थे फोटो लिया उन्होंने उनका वीडियो बना लेता हूँ निकालो मैं रखता हूँ सफारी खत्म हो गया भैया पूरा जंगल छान मारा शेर मिला सड़क पे कैसा लगा भाई नहीं आज तो बहुत बड़ा बढ़िया मजा आया यार टोटल अगर क्रेडिट दूंगी ना तो इनको इनको बोला था ये मेरे साथ आ रहा था मैंने इसको उतरा के आपके साथ भेजा चलो बट हमने 3 सफारी की और शेर मिला सड़क पे शेर फाइनली सड़क पे मिला है लेकिन अंदर से हम लोग चेस करते आ रहे थे शेर को कुछ भी बोलते हो मैंने तो वो मूवमेंट ही मिस नहीं किया मैं तो एंड तक देखा है शेर को एंड तक शेर मिलने के बाद रिवॉर्ड दिया जा रहा है खुद को मैं इस सांबर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत कॉलिंग दिया और बताया कि यहाँ से टाइगर निकल रहा है तो वाइल्ड लाइफ की लैंग्वेज में जैसा इन्होंने बताया इसको गजनी कहा जाता है ये 10-15 मिनट के बाद भूल जाता है कि मैंने टाइगर को देखा था ओके थैंक यू सो मच थैंक यू मनोज फाइनली वी आर डन फॉर द डे और हम लोग अब वापस जा रहे हैं होटल और क्या मजा है अब पिएंगे हम मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे एक सेकंड भी अपनी कॉफी याद नहीं थी ये जो चीजें मैंने देखी उसके लिए मैं अपनी 10,000 बार कॉफी छोड़ सकती हूँ तो फाइनली हम लोग अपने रूम में आ गए हैं और अब एक रिलैक्स्ड कॉफी पी जा रही है संभावना कॉफी बना रही है और आज की कॉफी का मजा बेबी के लिए कॉफी बनाऊंगी अच्छी सी और आज की कॉफी का मजा ही अलग होगा ओके राइट नाउ आई एम विद मिस्टर संजय ढिमोले और मैं इनके रिजॉर्ट में हूँ आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा हम लोग तो सेम रिजॉर्ट में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो लास्ट टाइम प्रमोद जी से मिले थे हम ये उनके पार्टनर हैं और आकर इतना प्यार से ये देख लो आप बुके इन्होंने मुझे दिया है अच्छा हम लोगों को कल टाइगर नहीं दिखा तो ये मुझसे मिलने ही नहीं आए कि जब तक मैडम को टाइगर नहीं दिखेगा आप स्टाफ को मना कर दिया था कि प्लीज मैम को मत बताना कि मैं यहाँ पे और आज जब मैं चंद्रपुर से आया तो ये पूछते आया कि भाई मैडम को टाइगर दिखा या नहीं जब मेरे को बताया गया कि आज मैडम को टाइगर दिखा है तभी मैं आकर के मैडम से मिला हूँ बहुत ही मतलब अमेजिंग वाला एक्सपीरियंस आज टरोबा टाइगर वैली रिजॉर्ट मैं चाहूंगी कि जो भी इधर आता है ना वो एक बार इस रिजॉर्ट में जरूर आइए थैंक यू सो मच हम लोग आ गए रूम में और बहुत ज्यादा टायर्ड है अब मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग सफारी है आप लोगों को मिलते हैं कल मॉर्निंग में सोने जा रहे हैं सब लोग सो चुके हैं वहां पे कल मिलते हैं गुड नाइट